Assalamualaikum everyone, कैसे हो आप सब? I hope सब लोग अच्छे से होंगे. एक बार फिर से वेलकम जेके इन्फॉर्मेशन अपडेट में. मैं हूं आपका होस्ट इरफान. एक नई जॉब नोटिफिकेशन लेके आया हूं आपके सामने. जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक जॉब रिक्रूटमेंट आई है होम डिपार्टमेंट में. तो जो जो इसके लिए अप्लाई करना चाहेगा वो अप्लाई कर सकते हैं. मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कि इसकी स्टार्टिंग डेट कब से है और लास्ट डेट कब है इसकी, और क्या क्या प्रोसीजर है इसके लिए, क्या क्या आपको फी कितना रखा गया है इसमें, और किस किस डिपार्टमेंट में कौन कितने पोस्ट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में. तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा. तो अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल रखें ताकि आप हर एक अपडेट जो है जॉब और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप रिसीव करोगे. हमारा फेसबुक पेज भी है जेके इन्फॉर्मेशन अपडेट. आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हो. तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन नंबर 1 पीएससी के द्वारा. ये नोटिफिकेशन नंबर 1 है जो 24 फरवरी को रिलीज़ की गई है. तो 70 पोस्ट्स है इसमें. अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूँ यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा यहाँ पे देख सकते हो आप फिलिंग अप 70 पोस्ट्स इनको फिल करना है जो होम डिपार्टमेंट में. तो अगर आप होम डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हो तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो. जेकेपीएससी के द्वारा ये जो रिक्रूटमेंट आई है 70 पोस्ट्स के लिए. तो मैं आपको बताऊंगा इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए. ये जो है ऑनली किन के लिए है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए. जो जम्मू कश्मीर यूटी के हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो मैं आपको दिखाऊँगा आगे. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, जो डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर का जे एंड के यूटी का वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. बाकी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वही एलिजिबल है जो जम्मू कश्मीर यूटी के रहने वाले हैं. यहाँ पे देख सकते हो आप नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एंड द कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दियर ऑफ फोर इंटर. यहाँ पे देख सकते हो ओएम कैटेगरी के लिए 35 पोस्ट्स रखे गए हैं. ओएम कैटेगरी के लिए शेड्यूल कास्ट्स के लिए 6 पोस्ट्स, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7 पोस्ट्स, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट्स, एएलआईसी के लिए 3 पोस्ट्स, आरबीए के लिए 7 पोस्ट्स, पीएसपी के लिए 3 पोस्ट्स, ईडब्ल्यूएस के 7 पोस्ट्स. टोटल जो है वो है 70 पोस्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन लिखी गई है, प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर्स ऑफ लॉ ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया. जो बैचलर्स ऑफ लॉ डिपार्टमेंट से है, जो बैचलर्स कर रहा है लॉ डिपार्टमेंट में, वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. जिसके पास लॉ डिपार्टमेंट की डिग्री है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो बाकी जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एज रिस्ट्रिक्शन क्या है, एज क्या क्या रखी गई है. ओएम कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे 40 एज रखी गई है. तो उसके बाद जो पीएससी के लिए वो 42 रखी गई है. आरबीआई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 43, इन सर्विस कैंडिडेट्स गवर्नमेंट वो इसके उनके के लिए रखी गई है 40 एज लिमिट यहाँ पे रख. यहाँ पे देख सकते हो जो डोमिसाइल है जे एंड के का वही इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जो श्रीनगर के रहने वाले हैं कश्मीर के, उनको श्रीनगर में एग्जाम सेंटर होगा, और जम्मू के जो है इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे उनका जो सेंटर होगा वो जम्मू में रखा जाएगा. ये है जो एग्ज़ाम सेंटर का भी जब इनका एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया जाएगा. यहाँ पे आप देख सकते हो फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाले हैं. जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीस फी रहने वाली है, और जो रिजर्व कैटेगरीज के लिए उनके लिए 1500 फी रहने वाली है, और जो पीआईसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फी नहीं रहने वाली है. यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हो, यहाँ पे जनरल कैटेगरी है 1000, रिजर्व कैटेगरी के लिए 500, और पीआईसी कैंडिडेट्स के लिए नील, उनके लिए कोई फी नहीं रखी गई है. तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो दो एग्ज़ाम इसके लिए कंडक्ट किया जाएगा. एक तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा और मेंस एग्ज़ाम होगा. जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया जाए करेगा वही मेंस में जो है वो अप्लाई होगा, वही मेंस के लिए अप्लाई होगा जो प्रीलिम्स पहले क्वालिफाई करेगा. और यहाँ पे देख सकते हो 400 मार्क्स है सेट अप आउट इन पार्ट ए. यहाँ पे जो दो एग्ज़ाम्स इसके लिए रहने वाले हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसकी एप्लीकेशन फी, एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन फॉर्म, ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट है. इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन जो स्टार्ट होगी वो 8 मार्च से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 8 मार्च से, और इसका जो लास्ट डेट है वो 9 अप्रैल इसका लास्ट डेट है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑनलाइन डेट है, 8 मार्च इसका ओपनिंग डेट है, ओपनिंग जब ऑनलाइन स्टार्ट होगा, और 9 अप्रैल इसका लास्ट डेट है. तो
तो आई होप आपको ये जॉब वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल रखिए ताकि आप हर एक अपडेट ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन रिसीव करोगे सबसे पहले। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।